हेलो गाइस, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मेरा लैपटॉप बहुत दिन से ख़राब हो गया था। तो ये माउस देख रहे हो तुम लोग, माउस काम नहीं कर रहा है। जितना भी कुछ कर लूँ, देख रहे हो ना, कुछ नहीं काम कर रहा। तो मेरे पास एक पुराना माउस था, जो ये है। ये माउस बहुत पुराना है, बैटरी चलता है, ब्लूटूथ वाला है। तो ये ख़राब हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ नया माउस ले लूँ। तो मैंने रखते हैं इधर, तो मैं एक ये नया माउस लेके आया हूँ, डेल का। देखें, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, पैकिंग भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज मैंने ये ख़रीदा है सिर्फ 200 रुपये में, जो इसका मार्केट प्राइस है। तुम देख सकते हो, इसका मार्केट प्राइस लमसम 400 रुपये है, वो भी नेपाली, इंडिया में बना हुआ है। और एड्रेस तुमको दिख रहा है, डेल का है, इंडिया है। और ये बना हुआ है मेड इन चाइना का, मेड इन चाइना का बना हुआ है। चलो दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर कैसा स्टाइल का माउस है और कैसा दिखता है और कैसा ये चलता भी है। इसका पूरा रिव्यू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो इसको खोलते हैं। माउस अच्छा है, तो ऐसा कुछ पैकेजिंग है इसका, अच्छा पैकेजिंग दिख रहा है इसको, तो साइड में रखते हैं। इसका पैकेजिंग है, बहुत अच्छा पैकेजिंग करके आया है। चलो इसे खोलते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसे साइड रखते हैं। ये इसका माउस डेल कंपनी का है, इससे मैं सिर्फ 200 में लिया हूँ। देख सकते हैं पीछे भी इसका अच्छा फीचर है, डेल का पूरा कंपनी का ब्रांडेड है ये, अच्छा काम भी करता है बोला था। तो मैं इसको अभी चेक करूँगा कैसा चल रहा है, कैसा सब कैसा सपोर्ट करता है मेरे लैपटॉप में। चलो इसे खोलते हैं। तार भी लमसम 1-2 मीटर भी है, 1 मीटर के आसपास से अच्छा काम कर रहा था। चलो मैं इसे अब यहाँ पे लगाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे आ गया। चलो ये सपोर्ट भी कर लिया है, देख सकते हो अभी काम कर रहा है। पहले ये यहाँ से काम नहीं कर रहा था, यहाँ से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक नया माउस ख़रीदा इसे सब चलाने के लिए। ये मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, जो ये लैपटॉप देख रहे हो तुम, ये बहुत पुराना है। मैं इसे 2012 में ख़रीदा था, अभी तक चल रहा है। इसका स्क्रीन भी फूट गया था, ये ख़राब हो गया था। इसका माइक ख़राब हो गया था, यहाँ इसका माइक था ख़राब हो गया था, स्पीकर ख़राब हो गया था। इसका बॉक्स में बहुत फॉल्ट था, इसलिए मैं इसको एक बार रिप्लेस करके एक बार चलाना चाहता था। इसका पुराना डाटा सब लेने के लिए, इसका फ़ोटो सब था इसमें, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फ़ोटो थे, तो मैंने इसको लिया। तो अभी मैं इंडो 10 लगा चला रहा हूँ, अच्छा चल रहा था। मगर इसमें क्या हुआ सपोर्ट की, इसमें माउस का प्रॉब्लम आ गया, इसमें माउस नहीं सपोर्ट कर रहा था, माउस इसमें काम नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक नया माउस खरीदते हैं अलग से। अब देखते हो कि तुम यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो गाइस, मेरा ये फर्स्ट वीडियो था माउस के रिव्यू के बारे में। तो पता है तुमको थोड़ा कम ही मिला होगा, पर चाह रहे हैं कि तुमको अच्छा से अच्छा रिव्यू करके बताऊं। तो
सपोर्ट करो। ये वाला माउस पुराना था, तो मान नहीं दे सके। ये भी एसपी का था, अच्छा था, एकदम बहुत अच्छा था। पर इसका इसमें क्या हुआ था कि ये हिल नहीं पा रहा था, ऑन तो हो रहा था, पर ये इसका माउस का मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसमें यही फॉल्ट था। और ये वाला अच्छा चल रहा है, तो चलो। मैंने इसे इसको मार्केट प्राइस 430 रुपया है, मैंने इसे 200 में ख़रीदा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी खरीद सकते हो। हाँ बता दूँगा कहाँ से ख़रीदे हैं। अच्छा काम कर रहा है, मूवमेंट अच्छा है इसका, देख रहे हो इसका साउंड भी कितना मस्त है, चलाने में बहुत अच्छा है। इसका लेंस भी सकते हो, कितना बवाल दिख रहा है। ओके गाइस चलो, थैंक फॉर वॉचिंग।